पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हिंदू कॉलेज महाविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम की परीक्षा जल्द शुरू होने वाली है, जिसको लेकर ज्यादा जानकारी कॉलेज प्राचार्य केसी गुप्ता ने पब्लिक टीवी इंडिया को दी और उन्होंने कहा कि परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही सभी कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे की सुविधा भी उपलब्ध है और नकलविहीन परीक्षा कराने का उद्देश्य रहता है, जिससे हर परीक्षार्थी का भविष्य उज्ज्वल रहे और तरक्की करे। और सभी छात्र छात्राओं से अपील की गई कि वह विद्यालय में कोई भी नकल लेकर न आए। और साथ ही उन्होंने बताया कि इस बार की परीक्षाएं इतवार में भी सम्पन्न होंगी। रोहिलखंड विश्वविद्यालय की जो लिखित परीक्षाएं हैं वो 25 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं और उसमें हमारे महाविद्यालय ने पूर्ण व्यवस्था कर ली है, जिसमें हमने एसएस नियुक्त कर लिए हैं वरिष्ठता के आधार पर और ईएस भी हमने नियुक्त कर लिए हैं वरिष्ठता के आधार पर। इसके अतिरिक्त हमने 4 रिजर्व ईएस रखे हैं। अगर कोई ईएस बाहर जाता है या छुट्टी पर होता तो उसकी जगह वो कार्य देखेंगे, वो भी वरिष्ठता के आधार पर चारों को चयनित किया गया है। फ्लैंक भी जहाँ पर हमारा पिछले साल ख़त्म हुआ था हमने उसके नीचे वरिष्ठता के आधार पर लिया है, परंतु तो केवल महिलाओं को हमने इसमें छूट दी है क्योंकि महिलाएँ हमारे फ्लैंक में कम हो जाती हैं, इसलिए हमने उसको नीचे तक ले गए। साथ ही साथ हमारे सीसीटीवी कैमरे हर कमरे में 2-2 लगे हुए हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग हमारा काम कर रही है, हमारा अंदर भी पूरा चैनल है और मैं यहीं बैठे बैठे अपना भी हर कमरे को चेकआउट कर सकता हूँ। परीक्षाएं 14-15 अप्रैल तक है। इस बार कितने विद्यार्थी लगभग परीक्षा देंगे हिंदू कॉलेज? इस बार हमारी हिंदू कॉलेज में जो लगभग परीक्षाएं देंगे वो करीब 10,000 के समथिंग। सारे काम को पूरा कर लिया गया है जो? हाँ, सारे काम पूरे हो गए हैं। कल मैंने मीटिंग बुलाई है SS-ES की और कल हम पूरा निर्धारित कर लेंगे कि कौन मॉर्निंग का SS होगा, कौन इवनिंग का होगा, कौन नून का होगा। इस बार एक विशेष बात यह है कि इतवार में भी परीक्षाएं हैं तीनों शिफ्ट के अंदर, और शुक्रवार को जैसे नून में परीक्षा नहीं होती थी इस बार नून में भी परीक्षा है। परीक्षा जल्दी? इसका मुख्य कारण जो हमारा सांसद लोकसभा का इलेक्शन होना है, इसका एक मुख्य कारण यह है कि परीक्षाएं इलेक्शन से पूर्व निस्तारित कर ली जाए। विद्यार्थियों से मैं अपील करना चाहूँगा, मैंने 2 पोस्टर लगा दिए हैं, अखबारों में भी मैं दे दूंगा, एक मेन गेट पर घुसते समय और एक जाते समय मैंने उसमें अपील की है कि ना तो पर्स लाएं, ना जूते लाएं, ना नकल सामग्री हो और किसी प्रकार का मोबाइल वगैरह नहीं होना चाहिए। मैंने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए हैं, इसके बाद भी अगर कोई विद्यार्थी इस प्रकार की हरकत करता है तो वो अनुचित साधन में नाप दिया जाएगा।